क्लास 8 फ्रॉम सीबीएसई एंड एनसीईआरटी चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 5.4 टू क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो हमने आपसे बताया था कि जो लास्ट प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग जब हम स्क्वायर रूट करते थे तो उसमें मल्टीप्लाइड डिवाइड का नाम आया था, इसमें सब्ट्रैक्टेड आया है और फिफ्थ नंबर में आपको एडेड देखने को मिलेगा। बाकी सेम क्वेश्चन है, कोई भी अगर हम यहाँ पे सो भी करें तो आप देख सकते हैं 5.3 में ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इज शुड बी मल्टीप्लाइड। तो इसमें मल्टीप्लाइड और डिवाइड क्यों है, इसमें सब्ट्रैक्टेड ऐड क्यों है, पहले हम ये समझें, क्योंकि सॉल्यूशन करना बहुत आसान होता है लेकिन उसे बेस से जानना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, कोई भी हम लेते हैं, ठीक है, इसके भी कुछ एग्जांपल्स ही आपको डायरेक्टली दिखा दें। आई थिंक सो बुक का यूज़ क्यों करें, हम अपनी पेज ले लेते हैं, एक्सरसाइज 5.3 का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखिए 32, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों एक साथ ही बता दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई 32 में देखिए टू का पेयर एक अनपेयर्ड है, तो आपके माइंड में क्या आता है, काश ना आया होता, काश एक और आ गया होता पेयर के लिए। तो देखिए अगर एक और आ जाता है तो हमारा पेयर बन जाता है, कब, जब हम मल्टीप्लाइड करते हैं। भाई मल्टीप्लाइड के लिए आप क्या बोलते हैं, काश एक और आ गया होता इसका पेयर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ही किसे बोलते हैं, फैक्टर किसे बोलते हैं, फोर क्या है, वन फोर, और किसके टेबल में आता है, टू। तो टेबल हम बोल रहे हैं ना, टेबल मतलब मल्टीप्लाई, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई का यूज होता है। अब श्योर है कि उसे अगर हटाना है तो मल्टीप्लाई को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड होता है, तो कॉमन सी बात है कि अगर मल्टीप्लाइड हो रहा है तो डिवाइड होगा। लेकिन जैसे हम डिवाइड का यूज़ करते हैं, डिवीज़न मैथड, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये हमने डिवीज़न मेथड को फुल एक्सप्लेन किया है, आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा फर्स्ट नंबर। तो हम यहाँ पे सभी चीज़ें किस में बात कर रहे हैं, प्लस प्लस में, ये देखिए साइड में, इस अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करें ऐसे सिंबल में, मान लीजिए हमने फोर किया तो टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, ऐसे बोलते हैं ना, फिर आप इसका इंटू करते हैं। लेकिन इसके साइड में देखिए आप इस प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, इंटू लिखते हैं ना, लेकिन इसके साइड में आप क्या करते हैं, इसके साइड में आपका प्लस होता है। देखिए क्या होता है, प्लस, जैसे सेवन सेवन, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, ये देखिए आप ऑलरेडी अगर ये एक्सरसाइज के फिफ्थ नंबर आप पढ़ रहे हैं तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड से तो क्रॉस हो के ही आए होंगे, तो ये तो आपको मालूम होगा कि ये जो साइड में होते हैं, जो टेबल लेते हैं उसे ऐड करते हैं, करते नहीं करते, इसीलिए इस क्वेश्चन में ऐड और सब्ट्रैक्ट आए। क्लियर हो गई बातें कि हम ऐड क्यों, ऐड है तो श्योर है ऐड, ऐड और सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन बनेगा, और जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाला करेंगे तो मल्टीप्लाइड और डिवाइड की बातें होंगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्टेड, तो सब्ट्रैक्टेड के अकॉर्डिंग इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो आपके सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट नंबर है 402। अब ये तो क्लियर दिख रहा है कि 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता नहीं होता, अब उसके जस्ट आगे कितना है, 402। अब 20 की स्क्वायर 400 है तो सीरीज बात है, अगर ये 2 को हम कट कर दें, यहाँ 0 लिख दें तो हमारा हो जाएगा, यानी ये इसका आंसर तो श्योर है -2 ही होगा। अब देखिएगा यही आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट नंबर में डिवाइड, पहले डिवीज़न मेथड तो यूज़ करेंगे। रूल्स क्या था, बैक साइड से 2 का पेयर बनाना है, बैक साइड से, ठीक है, और 2 का ही पेयर, ये 2 का पेयर बन गया और ये सिंगल पेयर, ओके। तो चलिए टेबल होते कितने डिवाइड में, सिर्फ 1 से 9 तक, इससे ज़्यादा नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। जैसे देखिए सबसे सिंगल क्या है, 4, तो 4 से अबव ना हो, इससे अटेंड करिए, 4 से अबव ना हो तो 4 ही आ रहा है हमारा, 2 2 ज़ा 4, तो आप यहाँ 2 ले लीजिए, साइड में कर लीजिए 2 2 ज़ा 4। चलिए 4 कैंसिल, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2 प्लस 2 4, यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, इतना स्पेस छोड़ दीजिएगा। अब नीचे देखिए 0 2, क्या इससे डिविजिबल हो रहा है,
क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ वन भी लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि लेना तो है ही है, डिजिट तो लेना ही है, इसके आगे आपको डिजिट लेना ही है। लेकिन अगर हम सपोज वन लिख दें तो क्या बन जाएगा, 41। अब 41 और 2 है यहाँ, ये तो वैसे भी 4 से ही नहीं लड़ पा रहा है, 41 से क्या लड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि आप इसका डिविजिबल आगे नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे तो आपको डेसिमल का यूज़ करना पड़ेगा, याद रखिए किसका, डेसिमल का, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सर इसको आगे कैसे करेंगे तो वो भी हम आपको करके दिखा देते हैं। ये 402 है, अगर आप चाहते हैं कि सर देखिए तो 2 2 2 4, ये कैंसिल, ये 4 हो गया, अभी 00 नीचे आया, ठीक है। अब देखिए ये इससे डिविजिबल नहीं कर पा रहा, अगर 1 भी लेंगे तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 लगाएंगे और यहाँ 00 लगेगा, ये पॉइंट लगा के ऐसे, और यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे आप अटेंड कर सकते हैं 00, अब आप इससे डिविजिबल आगे कर सकते हैं, मान लीजिए हमने 9 लिया तो 9 ऐसे, क्लियर हो गया, ऐसे होगा तो 20 पॉइंट कुछ आगे होगा। तो हमें तो इसके आगे जाना ही नहीं है, तो सिर्फ 0 बस यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट देना है, डेसिमल तो करना नहीं है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 2, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर रिमाइंडर इज 2, तो हमें सब्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग करना है, तो इस नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए पहले ही हम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो क्या लिखेंगे, 2 इज द लीस्ट रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे, 402 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। स्टेटमेंट आपको लिखना ही पड़ेगा, बहुत स्टूडेंट्स स्टेटमेंट से लेफ्ट कर देते हैं नहीं और इनसे बचते हैं, आप ज़रूर इसे पढ़ें तो आपको और अच्छा नॉलेज बढ़ेगा, इसको ज़रूर किया करिए, परफेक्ट स्क्वायर। सो न्यू स्क्वायर नंबर या न्यू नंबर 402 था, रिमाइंडर क्या है, 2, रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपका 400, और 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 20, क्लियर, बस कंप्लीट हो गया आपका। नाउ सेकंड नंबर, है 1989, ये तो कुछ ईयर्स की तरह अच्छे लग रहे हैं, चलिए डिवीजन अटेंड करें, 1989, पहला रूल्स, फर्स्ट रूल्स, टू का पेयर बन गया, सबसे पहला पेयर क्या है, 19, किसके टेबल में आता है, देखिए करीब 16, क्योंकि 16 के आगे अबव हो जाता है, तो 19 माइनस 16 आपका हो जाएगा 3, 4 प्लस 4, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका 8। अब डाउन करिए, 89, ये आ गया। अब आपको यहाँ पे फिर से डिजिट लेना है, इन्हीं को कोई सा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने 1 रखा, तो 81 का मत करिएगा, 81 में 1 का इंटू होगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो डिजिट लेंगे उसी डिजिट का इंटू करना है, हमने आपसे पहले बताया सिर्फ 1 से 9 तक का ही टेबल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 लें तो ये भी नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम 4 लेते हैं, 4 में आ जाएगा, 84 इंटू 4, यहीं पे कर लें, 84 इंटू 4 4 जै 16, और 4 8 जै 32 1 33, ये परफेक्ट, क्योंकि 5 जाए अब हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 4 44, तो यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ भी 4 लिखना है, और कितना आ गया आपका 3 3 6, 9 माइनस 6 3, 8 माइनस 3 5, कैंसिल, तो कितना रिमाइंडर आया, 53, क्योंकि इसके आगे हम नहीं जा सकते ना, हमारे पास कोई पेयर भी नहीं है,
अगर जाना है तो फिर डेसिमल आपको यूज करना पड़ेगा। तो हियर रिमाइंडर इक्वल टू 53। सो हम क्या करेंगे, यही स्टेटमेंट लिखिए या तो फिर इससे स्मॉलेस्ट चाहिए, तो चलिए उसको भी लिख देते हैं। 53 इज द लीस्ट रिक्वायर्ड नंबर, ये तो लिखना ही पड़ेगा कि जो लीस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, 53, जिसे हम सब्ट्रैक्ट करना है। नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किसे 1989 से कर दीजिए, तो 1989 माइनस 53, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 5 3, सॉरी 8 माइनस 5 राइट राइट, और ये 9 और ये आपका 1, ओके 1930, माफ कीजिएगा ये 89 है ना, ये 9 है, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा 1936, ठीक है। अब 1936 का स्क्वायर रूट, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं कि सर मैं इसको सर्च करूं क्या, नहीं नहीं बिल्कुल भी मत सर्च करिए, आप यही लिख दीजिए, यही आपका आंसर है, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस जैसे किए आपने सही किया, उसके बाद जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, ये स्क्वायर रूट आ रहा है, सॉरी स्क्वायर रूट आ रहा है, वही आपका आंसर है, बाहर बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनस करने के बाद वही आएगा। अब चेक करिएगा, ये 44 ही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3250 डिवीजन मेथड, बैक साइड से टू का पेयर। सबसे पहले 32, देखिए 36 है बाबा, तो 55 जा ले लें, तो यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ भी 5 5 5 जा 25 7 32 55 आपका 10 हो गया। इसको ऐड करते हैं, अब आप ले आइए 50। इसके बाद आप यहाँ पे क्या ऐसा नंबर ले लें कि इसके करीब आए, तो खुद एक कॉमन सी बात है कि यहाँ 10 है, अगर हम एक और डिजिट ले लें तो 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा, भाई यहाँ पे रखेंगे तो 104 ऐसे ही होगा ना, लेकिन इनटू उसी नंबर का करना है, तो ऐसा कौन सा नंबर ले लें कि हम 700 के करीब पहुँच जाए, तो 7 ही ले लीजिए ना, देखिए कैसे हमने 7 ले लिया, 77 जा 49 और 71 जा 7 है ना उसके करीब, देखिए, और अगर ज़्यादा हो जाता तो फिर 6 में जाता, तो हमने यहाँ पे लिया 7, तो 57, और यही आपका आंसर भी होगा, चाहे कुछ भी आप सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये 1 आ गया। अब आप ऐसे लिख दीजिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हियर रिमाइंडर इक्वल टू 1, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 1 इज द लीस्ट रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3250। चलिए माइनस कर लें, 3250 माइनस क्या 1 कर लीजिए, तो आ गया आपका 249 आएगा, 50 माइनस 1 49, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 3249 इक्वल टू यही आंसर। वो आंसर चेंज नहीं होगा, जो आपका यहाँ पे आए स्क्वायर रूट के प्लेस पे वही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 825 डिवीजन मेथड, 825 बैक साइड से टू का पेयर, ये टू का पेयर, ये सिंगल पेयर, ओके, तो सिंगल में क्या है 8, टेबल देखिए, 8 से अबव 9, 9 अबव है, 2 2 4 ले लें, तो यहाँ पे ले लीजिए 2 2 2 4 प्लस कर दीजिए, 2 प्लस 2 4, 8 माइनस 4 आपका 4 आ गया, और 25 भी डाउन ले आइए। अब यहाँ पे कौन सा हम नंबर ले लें कि इसके करीब आ जाए, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 8, ठीक है,
आप कुछ भी रखिए, ऐसा नहीं कि हमारी बात में आ रहे हैं। मान लीजिए हमने 4 रखा, ठीक है, ये रखा मैम ने 4 रखा, तो 44 इंटू 4 ही, ये डिजिट का ही इंटू होगा, सेम डिजिट। तो 44 जा 16, 44 जा 16 170, बहुत छोटा नंबर है, इसलिए हमने 8 में ये 8 में इंटू करिए, 88 जा 64, 84 जा 32, 32 6 38, और 9 जा अगर ले लें तो 99 जा 81, 8 रिमाइंडर, 94 जा 36, 36 8 44, 441। देखिए अबव है कि नहीं है, सिंपल। तो यहाँ पे 8 आ गया, माइनस कर दीजिए, माइनस करने में आपका आ गया 41, ये कैंसिल हो गया। अब 41 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आपका आंसर यही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हियर रिमाइंडर इज 41, 41 इज द लीस्ट रिक्वायर्ड नंबर विच कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 825 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल, तो यहाँ पे लिख दीजिए 825 और सीधे आंसर 28। अरे हमने तो माइनस ही नहीं किया, ये तो रॉन्ग है, 825 है ना, से माइनस क्या करना था 41। तो 5 माइनस 1 4, 11 माइनस 7 8 4 7, और ये हो गया, सॉरी 8 हो जाएगा 7, 784। अब 784 का स्क्वायर रूट लिख दीजिए, और आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, 28 ही है। ये कब चेंज होगा, जब आप ऐड करेंगे, और वो भी क्या चेंज होगा, 28 रहेगा तो 29 लिख दीजिएगा, सिंपल। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, 4000, टू का पेयर, तो यहाँ पे क्या है 40, तो चेक करिए 40 किसके करीब है, तो 36 49 अबव है, तो 66 जा 36, तो 6 यहाँ, यहाँ 6, यहाँ 6, ये आपका 36, 40 माइनस 36 4, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 66 क्या हो गया 12, और थोड़ा सा स्पेस ज़रूर रखिएगा। अब डाउन साइड आपका 0 0, तो 3 ले लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, उसी करीब है, और यहाँ भी 3 कर लीजिए, और यही आंसर है 63, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 6 3, और ये आपका कैंसर 31। चलिए 31 को तो क्या लिखेंगे, रिमाइंडर is 31, तो 31 is the least required number which should be subtracted from 4000 to get a perfect square। तो 4000 से माइनस कर लेते हैं, 4000 माइनस 31, तो आ गया आपका 3969। चलिए तो 3969 इज इक्वल टू 63। चलिए अब बात करते हैं ऐड की,